लेजेंड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन दान करने वाली प्रजाति, या इलेक्ट्रॉन दाता समूह या प्रजाति को लेजेंड कहते हैं। लेजेंड को संलग्नी भी बोलते हैं। लेजेंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको इलेक्ट्रॉन देता है। लेजेंड के प्रकार, लेजेंड दंतुता के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। एक दंतुक लेजेंड, द्वि दंतुक लेजेंड, त्रि दंतुक लेजेंड, पंच दंतुक और सहस्र दंतुक लेजेंड। पहला है एक दंतुक लेजेंड, मोनोडेंटेड लेजेंड, जिस लेजेंड में एक ही दाता परमाणु हो, अर्थात केवल एक ही परमाणु को धातु के साथ उपसंयोजकता आबंध बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उस लेजेंड को एक दंतुक लेजेंड कहते हैं। बहुदंतुक लेजेंड, अब जैसे द्वि दंतुक लेजेंड है तो दो एकांक इलेक्ट्रॉनिक उनका दान करेगा। त्रि दंतुक है तीन, चार हैं तो चतुर्दंतुक, पांच है तो पंच और छह एकांक इलेक्ट्रॉनिक उनका दान करता है। षट्दंतुक तो बहुदंतुक लेजेंड। पॉली या मल्टी डेंटेड लिगेंड, वे लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से दो या दो से अधिक परमाणुओं द्वारा बंधित होते हैं। एक लिगेंड में यदि ऐसे दाता परमाणु हैं तो वह द्विदंतुक, तीन दाता परमाणु त्रिदंतुक, चार के लिए चतुर्दंतुक इत्यादि कहलाते हैं। लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या उसकी दंतुता या बाहकता कहलाती है। बहुदंतुक लिगेंडों को किलेटी लिगेंड तथा वह उपसंयोजन प्रजाति जिसमें कम से कम एक किलेटी लिगेंड उपस्थित हो किलेट कहलाते हैं। एक किलेट लिगेंड के दाता परमाणु तथा केंद्रीय परमाणु द्वारा निर्मित वल्ले किलेट वल्ले कहलाती हैं। उभय दंतुक या दोहरे दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, वे एक दंतुक लिगेंड जो भिन्न भिन्न दाता परमाणु के माध्यम से केंद्रीय परमाणु से बंधित हो सकते हैं। उदाहरण जैसे CNS व NCS उभय दंतुक लिगेंड है, क्योंकि ये क्रमशः सल्फर तथा नाइट्रोजन के माध्यम से धातु के साथ आबंध बना सकते हैं। समन्वय मंडल या उपसंयोजन क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे संलग्न लिगेंड समन्वय मंडल या आंतरिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसे बड़े कोष्टक में रखा जाता है। बड़े कोष्टक के बाहर का भाग बाह्य क्षेत्र आउटर स्फीयर बनाता है। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है वो समन्वय प्रेशर और जो बाहर है आयनन प्रेशर। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिकांश कार्य कार्बनिक यौगिकों पर केंद्रित तथा उस समय तक वैज्ञानिकों की रुचि ये जानने में जागृत हो चुकी थी कि किसी अणु में विभिन्न परमाणु किस प्रकार से बंधित होते हैं तथा उस पदार्थ के विभिन्न गुणों की बंधन द्वारा किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। एक सर्वमान्य सिद्धांत ये था कि परमाणु में संयुक्त होने की क्षमता, जिसे संयोजकता कहते हैं, पाई जाती है तथा परमाणु इस निश्चित संयोजकता के संतुष्ट होने तक आबंध बनाते हैं। एक परमाणु जितने आबंध बनाता है उसकी संयोजकता कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों के गुणों तथा बंधन की व्याख्या उनके अवयवी परमाणुओं की संयोजकता, जैसे कार्बन की चार हैं, नाइट्रोजन की तीन, ऑक्सीजन की टू हैं, हाइड्रोजन के इत्यादि के आधार पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। संयोजकता द्वारा अकार्बनिक यौगिकों की व्याख्या के भी परिवर्तन किए गए। सामान्य अकार्बनिक यौगिकों जैसे लवण, ऑक्साइड, सल्फाइड के लिए सफलता तो मिली थी, लेकिन अन्य बहुत से कार्बनिक यौगिकों को जिन्हें अब उपसंयोजन यौगिक कहा जाता है, कार्बनिक यौगिकों वाले सिद्धांतों की सहायता से सूत्रबद्ध नहीं किया जा सकता। वर्नर ने इस समस्या को दूसरे ही दृष्टिकोण से देखा था, अपने विचार प्रस्तुत किए जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। चूँकि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या, बोर सिद्धांत 1913, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांतों का विकास वर्नर के सिद्धांत के बहुत बाद हुआ। वर्नर की सिद्धांत परमाणु के संयोजकता की धारणा पर आधारित था, न कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया की अभिक्रिया से बहुत से कोबाल्ट एमिन क्लोराइड बनाए तथा उनका विस्तार से अध्ययन किया।
उसने देखा कि यद्यपि इन एमिन यौगिकों के संगठन बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, ये यौगिक मात्र अमोनी अणुओं की संख्या में भिन्नता रखते हैं, लेकिन गुणों में परिवर्तन अत्यधिक होते हैं। प्राप्त परिणामों के आधार पर 26 वर्षीय वर्नर ने 1893 में जो संकल्पना प्रस्तुत की उसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। उनके अनुसार धातु की दो प्रकार की संयोजकताएँ होती है, प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता प्राइमरी या प्रिंसिपल वैलेंसी, दूसरी द्वितीयक या सहायक या अवशिष्ट संयोजकता सेकेंडरी ऑक्सिली और रेजिडेंशियल वैलेंसी। प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता ये धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, इनकी संतुष्टि से सामान्य अकार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। ये रणायन संतुष्ट होते हैं तथा आयननीय होते हैं, अर्थात विलयन में रणायन देते हैं। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े रणायनों को उपसहिष्णु यौगिकों में कोष्ठक के बाहर रखा जाता है, इस प्रकार ये बाह्यक्षेत्र का निर्माण करते हैं। प्राथमिक संयोजकता परिवर्तन होती है, आयरन परमाणु द्वि संयोजक तथा त्रि संयोजक बना सकते हैं। द्वितीयक संयोजकता प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजक की संख्या निश्चित होती है, द्वितीयक संयोजकता की संख्या धातु की समन्वय संख्या है। इनकी संतुष्टि से यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है, उदाहरण के लिए CaCl3 में कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता Cl- आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, लेकिन जब यह यौगिक अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो 6 अमोनिया अणु कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता से बंधित होकर अवशेषण यौगिक का निर्माण करते हैं। ये रणायन तथा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती किसी यौगिक में एक प्रकार के लेकिन प्राथमिक द्वितीयक संयोजकताओं से बंधित हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अवस्था में धातु आयन की समस्त द्वितीयक संयोजकताओं की संतुष्टि अवस्था। बाद के अध्ययन से सिद्ध हो चुका कि कुछ धनायन भी द्वितीय क्षेत्र द्वारा बंधित हो सकते हैं, द्वितीयक संयोजकता आयनीय नहीं होती। जो रणायन द्वितीय संयोजकता बंधित होते हैं विलयन में रणायन दे देते हैं। आधुनिक व्याख्या के अनुसार द्वितीयक संयोजकता धातु लिगेंड के मध्य का उपसंयोजकता बंध है, धातु तथा इसकी द्वितीय संयोजकता से बंधित लिगेंडों को संकुल के सूत्र में कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार ये भाग उपसंयोजन यौगिक का समन्वय मंडल अथवा अंतस्थ का निर्माण करते हैं। ये प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा प्रबल बंध बनाते हैं। द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अंतराल में नीचे दिशाओं की ओर अभिलक्षित होते हैं। 6 द्वितीयक संरचना एक अष्टफलक के केंद्र से उसके कोनों की ओर तथा 4 संयोजकता चतुष्फलक वर्ग के कोनों की ओर लक्षित होती हैं, जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया। धातु की द्वितीयक संयोजकता रिप्रेजेंट की हुई अष्टफलक, दूसरा चतुष्फलक और वर्ग के कोनों की ओर।